हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आप लोगों को लेके जा रहे हैं IFQ होटल और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। और रिव्यू में हम डिस्कस करेंगे इनके रेट्स, इनका मेन्यू, इनके सर्विस, इनका एम्बियंस, एवरीथिंग। और हाँ, एक बहुत ही ज़बरदस्त से प्राइस टैग में एक एक्स्ट्रा फीचर भी है जो आगे चल के मैं आपको वीडियो में बताऊँगी, तो वीडियो पर बने रहिएगा। फ्रेंड्स, मैं हर वीक आप लोगों के लिए किसी नई फूड प्लेस का रिव्यू लेकर आती हूँ और अगर आप लोगों को ये रिव्यूज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली ये सारी वीडियोज़ आप तक भी पहुँचती रहें। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये रही इनकी एंट्रेंस, इनका एड्रेस जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और हम आउट वाली साइड से यानी एग्जिट से हम लोग एंटर हो रहे हैं क्योंकि दूसरी साइड पे कुछ थोड़ा सा काम हो रहा था। इनका एम्बियंस बहुत ही कमाल का था, ज़बरदस्त था, म्यूज़िक चल रहा था और स्टाफ भी जो है इनका बहुत ही प्रोफेशनल था, बहुत ही अच्छा ओवरऑल एनवायरनमेंट लगा। और ये रही इनकी कॉफ़ी शॉप। हम लोग थोड़ा सा अर्ली आ गए थे इसलिए हम लोगों ने कुछ देर लॉबी में जो है वेट किया और अभी इसके बाद आप लोगों को लेकर चलेंगे जहाँ पर ये लोग हाई टी सर्व कर रहे हैं और इनके रेस्टोरेंट मैनेजर से आपकी मुलाकात कराते हैं, वो आपको हाई टी की सारी डिटेल्स शेयर करेंगे। हाई टी की जो टाइमिंग है वो है 3:30 बजे से लेके शाम 6:30 बजे तक और 3 डेज इन ए वीक, ये फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। और इसका जो चार्जेस है वो 1490 प्लस 15% टैक्स है फॉर अडल्ट, और जो बच्चों के लिए है बिलो 10 अबव 5 उसके लिए 50% और बिलो 5 जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है पेरेंट्स के साथ। तो जी, प्राइस टैग तो बहुत ही अमेजिंग है, 1490 उन्होंने बताया है जिसके साथ टैक्स है 15%। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि अगर आप कार्ड से पेमेंट करेंगे तो आपको 5% टैक्स चार्ज होगा, लेकिन अगर आप कैश पेमेंट करेंगे तो फिर आपको 15% जो है GST लगेगा। तो फ्रेंड्स, अब नज़र डालते हैं इनके मेन्यू पर और एंड में मैं आप लोगों के साथ इनका टेस्ट शेयर करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी सी वैरायटी है, मिंट चटनी है, इमली है, गार्लिक पिकल था, इसके अलावा लेमन पिकल था। इमली वाली चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा था और यहाँ पर दो टाइप के चना चाट है और कुछ चने का कुछ सालन टाइप भी था। सैलड बार भी इनका अच्छा था, 4-5 तरह की जो है सैलड की वैरायटी अवेलेबल थी, सैंडविचेस थे। और हमने स्टार्ट किया सूप से, सूप जो है वो वेजिटेबल सूप अवेलेबल था और मुझे तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब नज़र डालते हैं इनके मेन कोर्स पर और सबसे पहले हलीम है जिसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था, देन आलू चना तरकारी थी इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पर आगे आपको मिलेंगे फ्रेंच फ्राइज़ क्योंकि कुछ ड्राई आइटम्स थे तो उसके साथ ही उन्होंने फ्राइज सर्व किए थे। फ़िश जो थी बहुत ही अच्छी बनी हुई थी, फ़िश थी, इसके अलावा ये विंग्स थे ये भी बहुत ही जूसी और टेस्टी थे। बारबेक्यू आइटम्स में चिकन बोटी थी और चाइनीज़ में इनके पास जो है एग फ्राइड राइस और स्वीट एंड सॉर चिकन थी, इसके अलावा इनके पास मिनी पिज़्ज़ास भी अवेलेबल थे। तो फ्रेंड्स, टेस्ट बताने से पहले उस एक्स्ट्रा फीचर के बारे में बात कर लेते हैं। इस अमेजिंग से प्राइस टैग में इतने अच्छे डिशेस के साथ आपको मिलता है यहाँ पर लाइव म्यूज़िक। और अगर आप भी मेरी तरह म्यूज़िक के शौकीन हैं तो ये प्लेस आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है। तो फ्रेंड्स, अब बात
कर लेते हैं खाने की टेस्ट की। तो मैंने तो स्टार्ट किया था गोलगप्पों के साथ क्योंकि मेरे बेटे को बहुत पसंद है, तो फिर हमने यहीं से स्टार्ट किया। चलिए ज़रा मैं गोलगप्पे बना लेती हूँ और इसके बाद आगे की डिशेज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इनके फूड के टेस्ट की। तो तकरीबन सभी चीज़ों का टेस्ट मुझे अच्छा लगा, रीज़नेबली गुड था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इनकी सैलड्स की भी तकरीबन सभी वेराइटीज़ ट्राई की थी और सभी का टेस्ट बहुत अच्छा था। पेस्ट्रीज़ भी मेरी कोशिश थी कि सब ट्राई कर सकूँ, लेकिन मैं पेस्ट्रीज़ की फ़ैन नहीं, मेरे बेटे ने ट्राई की थी और उसको भी तकरीबन सभी का टेस्ट जो है अच्छा लगा था। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसमें एक देसी आइटम ऐड हो जाता, सॉस वाला कोफ्ता या फिर कोई चिकन ग्रेवी, तो बहुत ही बेस्ट रहता। बट एनीवेज, जो प्राइस टैग था उसके लिहाज से बहुत ही अमेजिंग जो है डिशेस थी। और यहाँ पर इन्होंने गुलाब जामुन और जलेबियाँ भी सर्व की थी जो कि फ़्रेश आ रही थी। इनका टेस्ट भी बहुत ही कमाल का था। इनके डिज़र्ट बार में काफ़ी अच्छी वेराइटी थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं के पेस्ट्रीज़ के अलावा जो है इनके पास ट्राइफल था, शीर खुरमा था और यहाँ पर कुछ कुकीज़ और टी केक्स भी थे जो कि मैं ट्राई नहीं कर सकी। लेकिन ट्राइफल और शीर खुरमा, ये काफ़ी चीज़ें जो हैं ये मैंने सारी ट्राई की। थोड़ी की कुछ नया सा डिज़र्ट भी था जिसका टेस्ट अच्छा था लेकिन नाम मुझे भूल गया। वैसे मेरा फेवरेट जो है वो तो जलेबियाँ और गुलाब जामुन रहे थे, वो मैंने बहुत अच्छे से खाए। और अब वक्त है कि चाय पी लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो था आज का फूड रिव्यू। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इंजॉय करिए म्यूज़िक और मुझे दीजिए इजाज़त।